आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तथा हमारे वीडियो लेक्चर को पूरे लास्ट तक देखें। लास्ट के वीडियो लेक्चर में इसी भी बेस्ट एक और क्वेश्चंस देंगे जिसको आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है। एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ये गिवेन है हमें 130। एंड ओ सी बी, ओ सी बी, ओ सी बी, ये हमें गिवेन है 55। तो फाइंड करना है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी एंड ए ओ सी, ए ओ सी इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले इस पिक्चर में हम देखेंगे हमें ओ बी, बी ओ सी निकालना है। बी ओ सी यानी ये निकालना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये रेडी है। ओ बी इक्वल ओ सी क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। जब इक्वल होगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल इस साइड का एंगल ये होगा और इस साइड का एंगल ये होगा। तो अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इक्वल होगा ओ बी सी का, एंगल ओ बी सी का। तो ओ सी बी जो है ये हमें गिवेन है 55 इक्वल टू एंगल ओ बी सी, यानी एंगल ओ बी सी इक्वल टू 55 डिग्री। हमें ये पता चल गया ओ बी सी, ये पता चल गया। और फाइंड करना था बी ओ सी, बी ओ सी फाइंड करना था। तो हम कह सकते हैं इंट्रैंगल ओ सी बी एंगल सी ओ बी, सी ओ बी प्लस, या इसको बी ओ सी कह देते हैं, बी ओ सी, चूंकि बी ओ सी के लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी, ओ बी सी प्लस ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इक्वल टू 180। यहाँ पे बी ओ सी हमें हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बी ओ सी प्लस ओ बी सी, ओ बी सी, अभी हमने फाइंड किया ओ बी सी 55 प्लस ओ सी बी, ओ सी बी ये हमें गिवेन है 55 इक्वल टू 180। एंगल बी ओ सी प्लस, इन दोनों को ऐड कर लिए 110, 180, यानी एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 110, यानी एंगल बी ओ सी इक्वल टू 70 डिग्री। एक हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगेन फिर से हम देखेंगे, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल क्या होगा ए ओ सी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए ओ इक्वल टू ओ बी, ये भी रेडियस है दोनों सर्कल का, तो यहां समझ सकते हैं ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा ओ बी ए का, ओ बी ए का। और जो ओ ए बी है, ओ ए बी ये हमें गिवेन है 30, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमें गिवेन है 30 इक्वल टू एंगल ओ बी ए, या एंगल ओ बी ए इक्वल टू 30 डिग्री। फिर हम कह सकते हैं इंट्रैंगल ए ओ बी, ए ओ बी में कह सकते हैं एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस ए ओ बी प्लस
OBA इक्वल टू 180, OAB ये हमें फाइंड है 30 डिग्री प्लस AOB अभी हमें नहीं मालूम है, और यहाँ पे OBA जो है OBA ये हमें पता है 30 इक्वल टू 180, यानी एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। और यहाँ से हमें AOB मालूम चल गया है, इतने पार्ट को हम हटा देते हैं, एंगल AOB इक्वल टू 120, और यहाँ पे AOC एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOC प्लस COB कह सकते हैं, और यहाँ पे AOB अभी हम फाइंड किए 120 प्लस AOC ये हमें फाइंड करना था, और ये COB अभी हम जस्ट निकाले हैं 70 BOC या COB एंगल AOC प्लस 70 यानी एंगल AOC इक्वल टू 120 माइनस 70 AOC इक्वल टू 50 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं, यहाँ पे OC जो है OB के इक्वल होगा, चूंकि दोनों रेडियस है तो इसके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ ये 55 है ये भी 55 हो जाएगा, और फिर अगेन से हम इस ट्रायंगल OCB में ABO इक्वल टू 180 कह सकते हैं, और ये 55 ये 55 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 70। इसी तरीके से सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि OA इक्वल होगा OB का, चूंकि दोनों रेडियस है, और यहाँ OAB ये जो साइड है इसका अपोजिट एंगल ये, और ये जो साइड है इसका अपोजिट एंगल ये, दोनों इक्वल होगा, और फिर हम ट्रायंगल AOB में ABO इक्वल टू 180 कह सकते हैं, ये 30 है ये 30 है यानी 60, और 180 में से माइनस करेंगे 120 ये पूरा हो जाएगा, और पहले क्वेश्चन में हम ये 70 फाइंड कर चुके थे, और 70 में से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 डिग्री का हो जाएगा, आप इसको एक बार नोट कर लें। प्रीवियस क्वेश्चंस के बेस पे ही एक और क्वेश्चंस आपके पास है, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 32 एंड ओ सी बी इक्वल टू 48, तो फाइंड द बी ओ सी, हमें बी ओ सी एंगल और एंगल ए ओ सी बताना है। आप इस क्वेश्चन को खुद से करें तथा इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे वीडियो लेक्चर को आप प्रमोट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।